नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉगुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंपोजिशन के बारे में, और लास्ट में हम कवर करेंगे इसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉगुरु। तो शुरू करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। ए स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी नॉन एज द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ दैट स्टेट। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जिसको हम उस स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानेंगे। और इस कमीशन का काम क्या होता है? तो ये कमीशन एक वॉचडॉग का काम करती है, एक रक्षक का काम करती है, एक कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी की काम करती है, जो किसी भी स्टेट की ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करती है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करी थी, जो एक पर्टिकुलर कंट्री के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करती है। वहीं अगर स्टेट लेवल पर हम किसी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करते हैं, तो स्टेट लेवल पर हमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और उसका काम भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरह ही सेम होता है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन हैं, तो एट प्रेजेंट 26 स्टेट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। द फर्स्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कोलकाता ऑन 8 जनवरी 1994, नॉन एज वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यानी कि इंडिया में पहला जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना था वो कोलकाता में बना था 8 जनवरी 1994 में, जिसको हम पश्चिम बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी कि इस कमीशन का गठन कैसे होता है इसकी तरफ। तो इस कमीशन में पहले एक चेयरपर्सन होगा हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों। फिर वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि एक मेंबर वो होंगे जो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज या तो हों या रह चुके हों। फिर आते हैं वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज इन दैट स्टेट, यानी कि एक मेंबर वो होंगे जो उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जज हों या रह चुके हों। ये तो बात थी जुडिशियल मेंबर्स की। अब बात करते हैं दो ऐसे मेंबर्स की जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या उनकी नॉलेज के बिहाव पर। यानी कि दो ऐसे मेंबर जिनके ह्यूमन राइट की इतनी अच्छी नॉलेज हो या उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट के फील्ड में। और देयर शैल बी अ सेक्रेटरी हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि स्टेट कमीशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। तो ये थी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कैसे गठन किया जाता है या उसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की पावर्स और फंक्शन भी वैसी ही सेम होती हैं जैसे ही कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है पूरी की पूरी कंट्री पर फोकस करती है, वहीं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करती है। तो चलिए इनके पावर्स एंड फंक्शन को भी हम देख लेते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवेंसेज रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायोलेट किए जा रहे हों तो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इट हैज़ द पावर टू इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि अगर किसी एलिगेशन में किसी ह्यूमन राइट को वायोलेट किया जा रहा है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास पावर होती है उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने की। आगे पढ़ते हैं, इट कैन विजिट एनी जेल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सी द लिविंग कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास पावर होती है किसी भी जेल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में विजिट करने की जो कि इस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उस इंस्टीट्यूट में जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं या जहाँ पर जो इनमेट्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन को देखने के लिए।
इट कैन रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है रिव्यू कर सकती है उन सेफगार्ड्स को जो प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या एनी अदर लॉ के द्वारा जो कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड कैन ग्रांट इंटरिम रिलीफ। यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पावर जो होती है सिविल कोर्ट की इक्वेलेंट होती है, समान होती है, और वो इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है। इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास में पावर है, अथॉरिटी है, अगर किसी के ह्यूमन राइट को वॉयलेट किया जाता है तो उसको कंपनसेशन दिलाने की या उसके डैमेजेस को फुलफिल करने की। तो दोस्तों ये थी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पावर्स एंड फंक्शंस। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। आज की वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अपनी पिछली वीडियो यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।